Chapter 8 Cell Structure and Functions. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied about the cell and its discovery. In this video, we will take up their numbers, shapes, and sizes. But let us first quickly recall, what is a cell? तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हर ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो ऑर्गन्स की हेल्प से करे जाते हैं। अलग अलग सेल्स मिलकर ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक के बाद एक ब्रिक्स को यानी कि ईंट को प्लेस किया जाता है, वैसे ही ऑर्गन्स बनाने के लिए सेल असेंबल्ड होते हैं। अच्छा, और सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने कॉर्क में यानी कि पेड़ की छाल में कुछ कंपार्टमेंट्स या फिर बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर्स देखे थे और उन्होंने देखा था कि ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से एक वॉल जैसे स्ट्रक्चर से सेपरेटेड हैं। तो उन्होंने उस बॉक्स को या फिर उस कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल। लेकिन जो सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे वो डेड सेल्स थे, क्योंकि जो कॉर्क होता है पेड़ की छाल में वो डेड पार्ट होता है, इसीलिए उसके अंदर जो सेल्स थे वो भी डेड सेल्स थे। अब आते हैं हम सेल्स के अलग अलग नंबर्स पे, शेप्स पे और साइजेस पे। आपको पता है कि अर्थ में मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उन सब का शेप अलग होता है और साइज अलग होता है और उनके अपीयरेंस भी अलग होते हैं। इसी तरह उनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर के जो सेल्स हैं वो भी शेप में अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं और कितने हैं यानी कि कितने नंबर्स ऑफ सेल मिलकर उनका ऑर्गन बनाते हैं वो भी अलग अलग होता है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक बड़े पेड़ में या फिर एक एलिफेंट में मिलियंस से ट्रिलियंस सेल तक होते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियंस सेल्स होते हैं जो कि सब शेप में और साइज में अलग अलग होते हैं और अलग अलग सेल्स के ग्रुप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट आर अप टू बिलियंस और ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेल्युलर, in which multi denotes many and cellular denotes cell. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as development proceeds. Organisms या तो multicellular हो सकते हैं या फिर unicellular। अगर कोई organism की body एक से ज़्यादा cell से मिलकर बनी है तो वो multicellular organism होता है। Multi यानी कि many और cellular यानी कि cell। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है इसका मतलब उसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल है लेकिन उससे उसकी फंक्शनिंग में
कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना उसको ज़रूरी है उसकी बॉडी उतना ही फंक्शन करेगी अगर वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी है तो। सारे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो स्टार्टिंग में सब यूनिसेल्यूलर होते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, यानी कि सिंगल सेल। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर हो जाते हैं। आप बोर्ड पर अमीबा का डायग्राम देख रहे हो, जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेल्यूलर है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। सिमिलरली फंक्शंस इन द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, टिश्यूज इन टर्न फ्रॉम सेल्स। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, सांस ले सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, ग्रोथ हो सकती है उसमें, यानी कि वो बढ़ सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किसकी मदद से? स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से, जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं और टिश्यूज ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो ये चेन कुछ ऐसे चलती है, सबसे पहले सेल्स होते हैं, फिर सेल्स मिलकर ग्रुप बनाकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम्स से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ आई? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू शेप ऑफ सेल्स। अगर हम फिर से अमीबा की बात करें तो इसके शेप को हम क्या नाम दे सकते हैं? इररेगुलर, क्योंकि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये अपना शेप बदलता भी रहता है। अगर आप अमीबा के प्रोजेक्शंस ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि वो एक दूसरे से भी नहीं मिलते हैं, सबके साइजेस अलग हैं, शेप अलग हैं। इनको सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसमें सूडो यानी कि फॉल्स और पोडिया यानी कि फीट। और जैसे जैसे अमीबा खाना खाते हैं या फिर चलते हैं तो ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो अपीयर भी हो सकते हैं और डिसअपीयर भी हो सकते हैं, यानी कि दिखाई भी दे सकते हैं और दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। I'm quickly reading this out for you. Amoeba has no definite shape unlike other organisms. It keeps on changing its shape. Observe the projections of varying lengths protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. Moving forward, a white blood cell in human blood is another example of a single cell which has changed its shape. अब अगर हम humans की बात करें तो humans में WBC यानी कि white blood cells भी single cells होते हैं जो अपना shape change कर सकते हैं, लेकिन WBC सिर्फ एक सेल है और अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है।
बोर्ड पर। तीन तरीके के शेप्स वाले सेल्स बनाए मैंने। इन सब का फंक्शन अलग होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स और नर्व सेल्स। जनरली सेल्स या तो राउंड होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं या फिर इलोंगेटेड होते हैं। कुछ सेल्स लंबे और पॉइंटेड भी हो सकते हैं दोनों एंड्स से, यानी कि उनका स्पिंडल शेप होता है। और कुछ सेल्स नर्व सेल जैसे लंबे तो होते ही हैं पर उनकी ब्रांच भी होती है, ब्रांचेस निकली हुई होती है उन सेल्स में, जैसे कि न्यूरॉन। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व सेल्स क्या करते हैं कि मैसेजेस को या तो रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि बहुत हेल्प हो जाती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में बॉडी के कामों को। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कौन करता है, तो आपका आंसर होगा नर्व सेल्स। अच्छा, अब इन सारे सेल्स को शेप कौन देता है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। सेल्स के जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो सब एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। लेकिन उसके ऊपर एक और कवर होता है सेल वॉल का, जो सिर्फ प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल में होती है। सेल वॉल प्लांट्स सेल को शेप तो देती है, साथ में रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको कठोर और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स।